चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश यादव निरहुआ अब अभिनेता से नेता बन चुके हैं और वह इन दिनों आजमगढ़ की धरती से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अखिलेश यादव के खिलाफ। लेकिन उनकी फिल्मी करियर अभी भी पूरी तरह से उफान पर है, तभी तो इनकी दूसरी फिल्म रिलीज को बिल्कुल तैयार है। जी हां, अभिनेता से नेता बने निरहुआ की दूसरी फिल्म रिलीज को बिल्कुल तैयार है। आपको बता दें कि इस फिल्म का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं निरहुआ की आने वाली फिल्म जय वीरू के बारे में। आपको बता दें कि जय वीरू की शूटिंग पहले ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस नहीं किया गया था। लेकिन अब फिल्म ईद के मौके पर पूरे बिहार झारखंड के साथ साथ पूरे भारत में एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर का भी रिलीज डेट सामने जारी किया गया है। फिल्म का ट्रेलर अगले वीक जारी किया जाएगा। फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो फिल्म में दिनेश यादव निरहुआ के साथ हैदराबाद के सुपरस्टार मस्त अली, आम्रपाली दुबे, निशा सिंह, प्रकाश जैस, गोपाल राय, नरेंद्र शर्मा जैसे मजे हुए कलाकार फिल्म में नजर आने वाले हैं। जबकि फिल्म के निर्माता हैं नासिर जामाल और इरफान जफर, जबकि निर्देशक की बागडोर संभाली है सुबा राव गोस्वामी ने, जिन्होंने दिनेश यादव निरहुआ के साथ पहले भी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। अब देखना यह है कि अभिनेता से नेता बने निरहुआ की जय वीरू भोजपुरी दर्शकों को कितना पसंद आएगा, या तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन इन दिनों दिनेश यादव निरहुआ अपने चुनाव पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं।